Hi Leo and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Leo, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. Leo, Leo मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक मेंशन है, व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये होती है बहुत ही जनरल रीडिंग. Leo, लेट्स चेक आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है. बाय द वे, जिन भी लियो उसका बर्थडे अगस्त में आता है, विशिंग यू ऑल लियो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आप सबके ड्रीम्स पूरे हो. ओके, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम्स आप नीचे मेंशन है. लेट्स चेक लियो आपके लिए एंजल मैसेज क्या आता है. आपके लिए मैसेज आया है, सरपासेस बे एक्सटेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर. लियो, अगर बहुत तकलीफें चल रही थी आपकी जिंदगी में, वो तकलीफों का एंड आने वाला है. यू आर अबाउट टू रिसीव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ. मेरे हिसाब से आप काफी प्रिटेंड कर रहे हो लियो. व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग सो मच? डोंट प्रिटेंड, बी योर सेल्फ लियो. बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए. लेट्स चेक एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आता है. ओके, एनर्जी ऑरेकल मैसेज फॉर यू. ऑल टाइड अप. व्हाई? व्हाई दिस इज व्हाई? क्यों कंफ्यूज्ड हो, घुट रहे हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं. क्यों नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस? व्हाट इज दिस बिहेवियर लियो? योर एंजल्स आर टेलिंग यू टू बी कॉन्फिडेंट. ये सेल्फ कॉन्फिडेंट इश्यूज की एनर्जी आ रही है. मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ विद ऑल टाइड अप. कॉन्फिडेंट रहना है लियो. आप शेर हो. यू गाइज आर लायंस. व्हाट आर यू डूइंग लियो? शेयर हो आप, कॉन्फिडेंट रहना है. कॉन्फिडेंस से चीजें होंगी लियो. अगर आपको डाउट है, डर है किसी चीज का, वो डर हटाओ एंड बी योर सेल्फ. कॉन्फिडेंट रहना. ऑल टाइड अप की एनर्जी है. मुझे ऐसा दिख रहा है काफी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं आपके ऑरा में. सो उस पे अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आई कैन इंटरप्रेट मोर डीपली, बट ऑरा आपका ब्लॉक्ड है. काइंडली डू सम मेडिटेशन, काइंडली वर्कआउट. उससे आपका जितनी भी ब्लॉकेजेस होंगे ना एनर्जी में, वो निकलेंगे. लियो, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, जनरल रीडिंग फॉर लियो इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023. और ये जो कॉन्फिडेंट इश्यूज आ रहा है ना, वो आप खुद ही कर रहे हो अपने आप को. कोई दूसरा नहीं कर रहा है, आप खुद कर रहे हो. नाइन ऑफ पेंटिकल्स. अरे यार, ये कैमरा ना. ओके, परफेक्ट. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्स. नाइन नाइन की एनर्जी स्ट्रांग है. फाइव ऑफ कप्स, वही ना दुखड़े के कार्ड. फाइव ऑफ कप्स, कॉन्फिडेंट इश्यूज. ओके, पहले लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट लियो, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट. फाइव ऑफ कप्स, व्हाट इज मतलब दिक्कत क्या है आपकी लियो? You have everything in your life, Leo. कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ में, तो रोना क्यों है? रोना भर भर के है. क्यों रो रहे हो आप लियो? मुझे आप ना वीडियो पॉज करके, what you should do, count five blessings in your life. Blessings मतलब कि जो आपकी लाइफ में एक्चुअली है वो काउंट करो. और वो जो ब्लेसिंग्स आप जो काउंट करोगे ना, वो बहुत शायद 90% लोगों के पास वो ब्लेसिंग्स होंगी नहीं. I'm telling you very honestly. So stop self-sabotaging yourself, Leo. Blame game karna. Main kuch nahi kar sakta, mere andar issues hai. Stop doing that. It's high time your angels are telling you to buckle up, be strong, be confident, because you have everything in life. चार कप्स उसमें जा रहे, खाई में जा रहे, पर इतना बड़ा कटोरा पीछे रखा है, तो पीछे तो देखो, पीछे तो आप देखते नहीं हो. अपने अंदर, अपने गृहबान में झांक के देखो लियो. यू आर समवन हु हैज एवरी थिंग इन लाइफ. यू हैव एवरी ब्लेसिंग इन लाइफ. यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड. यू जस्ट हैव टू पुश योर सेल्फ अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर लियो. रोने से कुछ नहीं होगा. बहुत रो लिया आपने, अब इट्स हाई टाइम दैट यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप एंड जस्ट प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपको. नाइन ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत तकलीफें हैं, और तकलीफें आएंगी अगस्त में. आपकी तकलीफें बढ़ते हुए दिख रही हैं, एंड आई एम सीइंग दैट योर प्रॉब्लम्स आर मच 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 बिगर.
और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, मुझे पता नहीं ये 7.5 की एनर्जी क्यों आ रही है एकदम से। मोस्ट ऑफ यू आर डीलिंग विद द 7.5 इश्यूज। सैटर्न एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। अपना एक बार वैदिक एस्ट्रोलॉजर से चार्ट दिखवा लेना, आप लोग शायद आपकी शायद 7.5 चल रही होगी। सो आई एम सीइंग यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज और प्रॉब्लम्स आएंगी, बट मुझे पता है एंजल्स को आपके पता है कि आप उस प्रॉब्लम से लड़ के एक फाइटर, एक किंग की तरह निकलोगे लियो, बिकॉज यू आर मेंट टू बी दैट पर्सन दैट यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ लियो। तकलीफें आएंगी बट थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच आपको बनाना पड़ेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई नहीं होप है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ अबंडेंस लियो। कोई भी तकलीफ है बट फाइनेंशियल तकलीफ है तो नहीं है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल अबंडेंस अगस्त में बहुत है। पैसों की दिक्कतें तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही। सेकेंडली आपका बार बार ये लियो की रीडिंग में अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हो। आपको अगर आप सिंगल हो तो आपको काफ़ी लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं फॉर डेटिंग, फॉर रिलेशनशिप, इवन इफ यू आर अ मैन और अ वुमन, हुएवर। थर्डली आई एम सीइंग दैट अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आपके पेट्स आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके पेट्स आपको काफ़ी एनर्जी दे रहे हैं, तो उनकी उनकी अच्छे से सेवा करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फोर्थ आई एम सीइंग दैट यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर सेल्फ, ऑन योर स्किन केयर, मेकअप एंड क्लोथ्स। तो मुझे दिख रहा है आप काफ़ी शॉपिंग भी करोगे अगस्त मंथ में। फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉपर्टी आई डोंट नो व्हाई आई सेड, तो शायद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो आप। मुझे ऐसा दिख रहा है कि घर का होम डेकोर का आइटम खरीदोगे। अपनी मॉम के लिए प्लीज़ गिफ्ट्स खरीदो अगस्त मंथ में, बिकॉज दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ये भी दिख रहा है कि आपके बर्थडे के बाद फाइनेंशियल अबंडेंस और ज़्यादा बढ़ेगी। ओवरऑल देखो लियो, तकलीफें आएंगी, be prepared for that. Everyone is bound to face a lot of troubles in their life. कोई बचा हुआ नहीं है, सच सच बताऊँ आपको। तो मैं इस फील्ड में हूँ 2 साल से, so I am telling you, everyone is blessed, everyone has problems in their life, but it's about how you deal with problems. तो दुख ही रहने से कोई कुछ नहीं होगा, आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। आई एम हैविंग अ माइग्रेन अटैक राइट नाउ, बट आई एम मेकिंग वीडियोज एंड आई एम फीलिंग सो मच बेटर, but this is my job, I have to do it. So overall Leo, take care of yourself, apni mental health ka dhyan do, aapka August month bahut hi positive dikh raha hai. This is your general reading, I hope you like my reading. Let's check your love life reading from now onwards. Hi Leo and welcome to your love life reading. Agar aap kisi insaan ko like karte ho, love karte ho, us insaan ko apne mind mein rakho, ye reading dekhna start kar do Leo. Let's check aapka oracle deck se kya message aata hai. ओके, फ्रीडम, दैट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, प्रेगनेंसी, वाओ, एंड मेक द एफर्ट। अब ये मेक द एफर्ट कौन है, आप हो कि आपका पार्टनर है? कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग कोशिश कर रहे हैं प्रेगनेंट होने के लिए, सो यू कैन गेट प्रेगनेंट, सो नाइस कार्ड्स। एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, love life for Leo in the month of August 2023. Kuch complicated energy dikh rahi hai mujhe. There are some complications. Wo complication kya hai wo hum baad mein pata lagayenge. Current energy of your partner, the Fool, okay. Intention, maine bola na complicated energy mujhe aa gayi thi. Yo. Future action, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ये आपका ही कार्ड आया, स्ट्रेंथ एंड मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, 10 of swords। ओ माय गॉड लियो, मैंने बोला था ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है, एनर्जी है ये। मुझे डाइवोर्स की भी एनर्जी लग रही है बहुत स्ट्रांगली, डाइवोर्स, यस, मुझे डाइवोर्स की एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है। माई गॉड लियो, समझ रही हूँ आप जनरल रीडिंग में आप क्यों दुखी थे, मुझे समझ में आ रहा है। यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विद एक्वेरियस, स्ट्रांग एक्वेरियस, अनदर लियो, स्कॉर्पियो एंड मुझे ये सैजिटेरियस भी दिख रहा है, स्ट्रांग एक्वेरियस एनर्जी। ओ गॉड, प्रॉब्लम ये है, आपकी एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट है तो आपको डांट नहीं लगेगी, आप ये आप ही की एनर्जी आई, स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट्स द लियो एनर्जी। ओके, करंट एनर्जी,
देर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. बहुत स्ट्रांग सेक्शुअल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, अट्रैक्टेड है आपसे. करेंट एनर्जी, दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. मुझे जब फूल का कार्ड आया था ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था कमिटमेंट फोबिक, कमिटेड फोबिक, कमिटमेंट फोबिक की एनर्जी, और ये कार्ड आ गया. एनी वे, दे जस्ट गोइंग विद द फ्लो. वो आपसे बात करते हैं, बातचीत हो रही है, वो आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते जुलते हैं, बट दे आर, दे हैव नो इंटेंशंस ऑफ कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप विथ यू और गेटिंग मैरिड टू यू. साफ साफ क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ. अगर आप कन्फ्यूज हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल लायक नहीं है, बिल्कुल भी लायक नहीं. एंड आई एम सीइंग दैट ये जो पर्सन है, ये एक होता है ना कि आप, वन सेकेंड, आई एम, मुझे पिलो लगानी है अपने पीठ पे, वन सेकेंड. सो आई वॉज सीइंग, ये वीडियो लंबा शायद जाएगा. आई वॉज सीइंग दैट आप लियो, जैसे आप हो, आपका एक स्टैंडर्ड होगा, लाइक आपका एक स्टैंडर्ड होगा कि आपको एक टॉल लड़के को डेट करना है या एक थोड़ी सी गुड लुकिंग लड़की को डेट करना है. आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि भाई थोड़ा पढ़ा लिखा हो, थोड़ी अच्छी सी जॉब हो, कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी होंगी. आई एम नॉट सेइंग कि आपकी बहुत एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट है कि आपको एकदम फिल्दी रिच पर्सन चाहिए. नो, यू हैव सम स्टैंडर्ड एंड इट इज़ ओके टू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. आई एम सीइंग दैट यू आर डेटिंग समवन और यू आर टॉकिंग टू समवन जो आपके स्टैंडर्ड का बिल्कुल बिल्कुल नीचे का है. आप समझ, आपका स्टैंडर्ड अगर यहाँ है तो उसका स्टैंडर्ड यहाँ है. सो यू आर गिविंग चांस टू समवन हु इज वे बिलो योर लीग. यस, बिकॉज आपका जो स्ट्रेंथ कार्ड आया वो फूल का कार्ड आया है. तो यू आर नंबर 8 एंड दे आर नंबर 0. अगर रैंकिंग की बात करें जाए आउट ऑफ 10, आप 8 नंबर पे आते हो, वो 0 नंबर पे आते हैं. यू आर डेटिंग समवन वे बियॉन्ड, मतलब वे लेस देन योर लीग. और मेरे हिसाब से आपको इस पर्सन को चांस भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उस लायक नहीं है लियो. दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, टॉकिंग टू यू, अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एंड दे आर नॉट सीरियस, दे आर कमिटमेंट, कमिटेड फोबिक. इंटेंशन, इंटेंशन, जो लोग टैरो वीडियो देखते हैं वो शायद ये कार्ड को बहुत बखूबी जानते होंगे, बट इंटेंशन है जस्ट टू हार्म यू. ये आपसे पैसा भी ऐंठने की कोशिश कर सकते, तो इनको एक रुपया भी मत देना. नंबर 2, इंटेंशन आर टू गिव यू धोखा, इंटेंशन आर टू नॉट गिव यू कमिटेड रिलेशनशिप. अगर आपको इनसे 1% की भी एक्सपेक्टेशन हो तो आप हो एक नंबर की बेवकूफ लियो. यू आर द वन. साफ साफ बता दिया, एक्शन, डेथ विथ रीबर्थ. एक्शन कुछ नहीं है, दे आर जस्ट, मेरे हिसाब से ये शायद 1-2 महीने चलेगा मैक्सिमम, अक्टूबर नवंबर बिगनिंग, 20 नवंबर तक ये चलेगा, उसके बाद ये एंड हो जाएगा. Mark my words. Future action कुछ नहीं है, they want nothing from you. साफ साफ बोल रही हूँ मैं फालतू चीज़ें नहीं बोलती हूँ. आपका कार्ड स्ट्रेंथ, मेरे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस है, आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मैं अपने लीग से कम को डेट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है. मेरे हिसाब से अपनी वर्थ जगाओ लियो यार. यू आर वर्थ मोर देन एनी थिंग, यू डिजर्व समवन मच 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 बेटर. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए लोगों से, अपनी एक्सपेक्टेशंस, बट आई एम सीइंग दैट यू शुड कीप एक्सपेक्टेशन बिकॉज यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन गेट समवन मच बेटर लियो. व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ? अपनी सेल्फ वर्थ मत गिराओ. मेरे साथ मुझे लग रहा है आप अपना सेल्फ वर्थ गिरा रहे हो. वो आपको शायद 2-3 दिन टेक्स्ट नहीं करते हो, आप उन्हें डबल टेक्स्ट करते हो, आप उन्हें बहुत कॉल करते हो. डोंट डू दैट लियो. यू आर वे मच मोर वर्थ देन ऑल ऑफ दिस. आपके लिए यही मैसेज है. फ्यूचर 6 of Wands, आई एम सीइंग दैट. मेरे हिसाब से मैंने वही बोला ना कि आप बहुत अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो, आप उस लेवल पे हो लियो. फ्यूचर में आई एम सीइंग दैट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखोगे. मेरे हिसाब से आप सिंगल रहोगे बट आप फालतू लोगों को डेट नहीं करोगे. आप सिंगल रहोगे बट आप फालतू लोगों के मुंह नहीं लगोगे. तो फ्यूचर आई एम सीइंग दैट you will stay single for a while. I'm saying for 2-3 months you will stay single, but you will be discovering yourself. आप अपने आप को जानोगे लियो. I am seeing that आपकी जो strengths हैं उसे और बढ़ाओगे, weaknesses पे काम करोगे. I am seeing that अपने career पे, अपने ऊपर आप बहुत ध्यान दोगे. और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हो, होनहार इंसान हो कि आप बहुत suitors को attract करोगे जो आपके खुद के level के होंगे. येस, यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप उस एनर्जी में हो लियो कि आप लोग बहुत अननेसेसरी टेम्परेरी पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. लोग होते ही हैं टेम्परेरी,
लोग कोई परमानेंट नहीं होते ना, फ्रेंडशिप्स परमानेंट होती ना, रिश्ते कोई परमानेंट होते, सिवाय माँ बाप और सिबलिंग्स के. बट आई एम सीइंग दैट आप लोग अभी इस पॉइंट पे टिल अक्टूबर नवंबर आई एम सीइंग दैट आप लोग काफ़ी टेम्परेरी लोगों से मिलोगे. मेरे हिसाब से अगर कोई पर्सन आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है ये मेरा टाइम खा रहा है, ये बेकार है, उससे कट ऑफ करो और मूव ऑन करो. डोंट गिव पीपल चांस जो आपके लायक नहीं है, जो आपके लेवल पे नहीं है. आप समझ रहे हो, यू आर गिविंग योर एनर्जी टू पीपल हु आर नॉट इवन वर्थ योर टाइम, हु आर नॉट इवन वर्थ योर लेवल. लियो, व्हाट आर यू डूइंग? ये फर्स्ट टाइम मैं अपने 2 साल की रीडिंग में फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, लेवल की बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी आ रही है. आप समझ रहे हो लियो, ये पर्सन धोखेबाज है एक नंबर का, इसको चांस मत दो. एंड इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस रीडिंग, लाइक करो, कॉमेंट करो अपनी दास्ता प्लीज. दिस वॉज माई लव लाइफ रीडिंग. आई होप यू लाइक माई रीडिंग. इफ यू लाइक माई रीडिंग सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.